आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साहिल श्रीवास्तव लीड इंडिया टीवी न्यूज से। आज हम आपको नई मुंबई कलम बोली की जो हमने पिछली बार न्यूज लगाई थी जिहादी सलाउद्दीन खान की, जी हाँ, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरा एपिसोड जरूर बनाएंगे। आखिर ये दूसरा एपिसोड बनाना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि हमारी न्यूज़ का इम्पैक्ट तो पड़ा, लेकिन प्रशासन सोया है और हम इस संदेह के घेरे में हैं कि आखिर सीसीएफ के अध्यक्ष के कुमार ने इस जिहादी सलाउद्दीन खान के ख़िलाफ़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी सरकारी विभागों में, जैसे कह सकते हैं महाराष्ट्र के सीएम साहब को, डिप्टी सीएम को, पुलिस कमिश्नर को, डिप्टी पुलिस कमिश्नर को, ये सारी बातें जो हैं उनको लेटर में उसकी शिकायत भी की गई थी और उसके साथ साथ उन्हें पेन ड्राइव भी दिया गया था और उसके साथ ही साथ टैग भी किया गया था। तो यूँ कह लें कि प्रशासन के पास एविडेंस के साथ कंप्लेन भी था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या कहीं सलाउद्दीन खान ऊंचे अधिकारियों से मिला तो नहीं है? उसकी बातों में सत्यता साबित होती है। आज हमारे स्टूडियो में सीसीएफ के अध्यक्ष के कुमार जी आए हुए हैं। हम उनसे ही इस बात को, उनसे प्रश्न पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या सच्चाई है। और हाँ दोस्तों, हमने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था उसमें, जैसे पिछली बार हमने दो वीडियो आपको दिखाए थे, इस बार हम और भी आपको वीडियो दिखाएंगे। पूरा दो घंटे का स्टिंग है, हम टुकड़ों में इसको दिखाते रहेंगे जब तक सलाउद्दीन खान कानून के शिकंजे से जेल के सलाखों के पीछे नहीं चला जाता, जब तक पीड़ित पुलिस वालों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये अभियान चलता रहेगा। तो कुमार साहब, जय हिंद। आदि के स्टूडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक जिसको एक क्रिमिनल टाइप के आदमी, जो सामान्य आदमी को नहीं, ये पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज किया और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ इसने खंडनी मांगने का प्रयास किया। खंडनी ही नहीं, उनको गोली मारने का भी धमकी दिया, रिवॉल्वर भी दिखाया। ऐसे लोगों के खिलाफ, अपराधी के खिलाफ हमने पुलिस कमिश्नर को, मुख्यमंत्री को, डिप्टी कमिश्नर को, सीएम को, डीजीपीएस को, सारे लोगों को लेटर लिख दिया, मेल कर दिया। इसके बाद भी नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कोई कार्रवाई नहीं की या नवी मुंबई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि इसमें बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप ये है कि इसने टोटल 45 लाख रुपए की मांगनी की थी पुलिस वालों से, पुलिस वाले ने। अच्छा, ये जो 45 लाख मांगा गया था, ये वही है जो अधिकारी जो 3-4 महीने रह गया है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जो उस केस में फंसा हुआ था? जी हाँ, जिनका अभी कुछ दिन पहले उनका एक्स पार्टी सुनवाई नहीं करके उनकी बात सुनी नहीं गई, कमिश्नर ने इस आरोपी के प्रभाव में आके उनका ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब उनके साथ एक अन्याय हो गया जी, जिसमें उस आरोपी ने, मतलब ये सलाउद्दीन खान ये दावे के साथ कह रहा है कि 15 लाख मुझे कमिश्नर ऑफ पुलिस नवी मुंबई को देना है, डीसीपी जोन 2 को देना है, जिस डीसीपी को वो गाली भी दे रहा था और उनको ये धमकी दे रहा था कि अगर आप कहें तो मैं एक फ़ोन पे अमित शाह से आपकी बात करा सकता हूँ। और एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो इन लोगों के ट्रांसफ़र का पेपर बनाया, उनके नाम से 15 लाख यानी टोटल 45 लाख, ऐसा हमने इनको लेटर दिया है सीपी साहब को। हम लोगों ने तो सीपी साहब की ईमानदारी की बात सुनी थी, लेकिन अब ये लेटर देने के बाद हमें वो बात याद आई कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एग्ज़ाम्पल दिया था ईमानदारों का, कि मनमोहन सिंह के समय में जब 2G स्कैम हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हमारे मनमोहन सिंह जी जब नहाते हैं तो वो रेनकोट पहन के नहाते हैं, वो भीगते नहीं हैं जी, जी। मतलब ऐसी उनकी ईमानदारी है, तो वैसे ही ईमानदारी मुझे लग रहा है कहीं हमारे सीपी साहब का भी तो नहीं है। तो सीपी साहब तो बहुत ईमानदार इंसान है, आपने ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम लोग अभी भी मानते हैं, बट ऐसी ईमानदारी किस काम की? लेकिन अगर एक्शन नहीं है तो ये ईमानदारी का कोई मतलब नहीं बनता जी। कि अगर वक्त पे आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आपकी ईमानदारी किस काम की?
जहाँ पर सामान्य पुलिस वालों को आप उनको आप मदद नहीं कर सके, उनको कानूनी संरक्षण नहीं दे सके, तो सामान्य व्यक्ति को आप क्या देंगे जी। तो अभी बात यह है कि हमने पहले भी बोला था कि देखिए साहब, हमारे यहाँ नवी मुंबई में टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार में पुलिस वाले डूबे हुए हैं। यहाँ पर तो मैं आपको खुले बता देता हूँ कि पोस्टिंग के लिए भी पैसे लिए जाते थे, क्यों, उनके एक कलेक्शन वाले जग जा रहे। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें जो सलाउद्दीन खान ने जो फर्जी कंप्लेन बनाए, मैं एक सवाल और खड़ा करता हूँ कि उन व्यापारियों का जिन्होंने आधा अधूरा अपना नाम दिया, अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया, अपना पता नहीं दिया, उन लोगों का ऐसा कौन सा दो नंबर का काम था, ये भी जांच का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। कि जो पुलिस वाले उनको हफ्ता मांगते थे, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस वाले ने हफ्ता मांगते थे इसीलिए हमने ये कंप्लेंट डाली, और वो खुद के खुल के सामने नहीं आते, और ऐसे जिहादी सलाउद्दीन खान को उनको अपना नेतृत्व देना पड़ा कि भाई वो उनके बिहाफ में जाके वो सीपी से बात करेंगे। जी जी, इन्होंने सारे कंप्लेनेंट ने अपना नेतृत्व दिया जिहादी सलाउद्दीन खान को। अच्छा कुमार सर, रुकता हूँ, पिछला जो हमारा न्यूज़ चला था उसमें बहुत से कमेंट आए हैं कि लोगों ने जो कमेंट किया है कि आपने जिहादी, यानी कि आप जो है धर्म के चश्मे से आप क्राइम को देख रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा आपके माध्यम से उन लोगों को कहना है, वो लोगों के दिमाग में चूंकि इसमें खान नाम आ गया तो उनका ईगो हर्ट कर रहा है कि खान को अपराधी के रूप में हम दिखा रहे हैं। हम लोगों ने हिंदुओं को भी अपराधी के रूप में दिखाना, कभी तो सिंह को भी दिखाया है, सबको दिखाया है। जैसे ठाकुर की जो न्यूज़ थी आपने अरेस्ट भी करवाया। हमने किसी भी अपराधी को धर्म के चश्मे से देखना कभी नहीं किया। आपने उनको देखा है तो ऐसा आप मत सोचें, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जी, हमारी लड़ाई अपराधी से है, किसी धर्म से नहीं है। जी दोस्तों, जिस तरीके से आपने कमेंट देखा था कि किसी ने कमेंट किया कि लीड इंडिया टीवी न्यूज़ मुसलमानों का दुश्मन है, वो धर्म की आंखों से देखता है, हम उन दर्शकों को बता देना चाहते हैं, हमने जो है जो न्यूज़ चलाई थी तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि लीड इंडिया टीवी न्यूज़ धर्म के चश्मे से यानी कि मुसलमानों के खिलाफ में है। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि हमने अपने ही चैनल पर शकील सोंडे जो एक मुसलमान थे उनकी तकलीफ थी, हमने उसको भी दिखाया, उनका पक्ष हमने बहुत बेबाकी से रखा, और हमने अभी कुछ दिन पहले बॉलीवुड के कॉपीराइट चीटर दुर्गेश सिंह की भी न्यूज़ चलाई, वो भी हिंदू था, और इसके पहले गुजरात वलसाड महिला बैंक से 25 करोड़ का घोटाला करने वाला जय सिंह ठाकुर के खिलाफ में न्यूज़ भी चलाई, और उस जय सिंह ठाकुर को जेल की सलाखों के पीछे भेजा भी गया। तो लीड इंडिया टीवी का मकसद है, वो धर्म से इसको मत जोड़िए, हम अपराधियों के लिए काल हैं और महाकाल हैं, चाहे अपराध वो हिंदू करे, क्रिश्चियन करे, मुसलमान करे, बौद्ध करे, जो देश से गद्दारी करेगा उसके खिलाफ में लीड इंडिया टीवी न्यूज़ और सीसीएफ के अध्यक्ष के कुमार और उसके खिलाफ में न्यूज़ चलाते रहेंगे जब तक कि अपराधी कानून के शिकंजों में फंस नहीं जाते हैं। कुमार साहब, साईं जी, मुझे तो ये लगता है जी कि ये जो कमेंट आ रहा है जी, ये भी सलाउद्दीन खान के जिहाद का ही एक अंग है, ताकि इस गंभीर जो अपराध है इसको हम किसी दूसरे तरफ डाइवर्ट कर देना चाहें, वो हिंदू मुसलमान के तरफ डाइवर्ट कराना चाह रहा है, तो जिसने भी कमेंट किया है कहीं ना कहीं वो सलाउद्दीन खान का ही सेट किया हुआ आदमी है, ताकि इसको हम धार्मिक रंग दें। अच्छा, अभी आपने सलाउद्दीन खान की बात की, तो जब ये न्यूज़ गई तो क्या सलाउद्दीन खान ने हमारे चैनल से तो संपर्क नहीं किया है, तो क्या उसने आपसे संपर्क किया? जी हाँ, उसने मेरे को फ़ोन किया। अभी 8 तारीख को मैं कोर्ट में था, मेरा फ़ोन साइलेंट में था, तो 2 कॉल मिस आया, तो बाद में मैंने देखा पता नहीं किसका कॉल होगा, चूँकि मेरे नंबर उनका सेव नहीं था, तो मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने बड़े फिल्मी अंदाज में और धमकी भरे अंदाज में मेरे से बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमें एक डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोग तो पहले भी बताया कि हम लोग अपराधी चाहे जितना भी बड़ा हो हम लोग उससे लड़ते हैं, तो उनके मुकाम तक पहुंचाने तक ये लड़ाई जारी रहती है, तो उनकी ये गलतफहमी है कि वो किसी तरह से हम लोगों को डरा देंगे या हम लोगों को भटका देंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से फिर अभी भी बताना चाहता हूँ सर
कि अभी भी मुझे पता चला है कि व्यापार वहाँ के जो दो नंबर के व्यापारी लोग हैं, जो दो नंबर का धंधा करते हैं, जिनको ये दो नंबर का काम का स्पॉन्सरशिप करता है, ये पुलिस वाले का प्रोटेक्शन देने की बात करता है, उनसे अभी भी ये हफ्ता वसूल कर रहा है, करने की बात कर रहा है कि पुलिस से मैं प्रोटेक्शन दिलाऊंगा, तुम मुझे हफ्ता दो। लेकिन नवी मुंबई पुलिस जोन टू के DCP ACP जिनको वो गाली दिया, वो सब लोगों ने वीडियो भी देखा, पता नहीं इन लोगों ये लोग कहाँ सोए हैं या किस भय में ये दबे हुए हैं। कहीं सलाउद्दीन की बातें सच तो नहीं थी, कहीं सलाउद्दीन इनका कोई स्टिंग वीडियो तो नहीं अपने पास? नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये लगता है कि सचमुच कहीं पुलिस वालों ने ही तो पैसा नहीं मांगा था सलाउद्दीन के माध्यम से कि तुम इनको सस्पेंड कराने के नाम पे पैसा उठाओ और हम लोगों तक पहुंचाओ। क्योंकि पुलिस अगर ऐसे गंभीर समस्या पे ध्यान नहीं दे रही, हम लोग हर दिन न्यूज़ बना रहे हैं, और इससे भी कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम भी होती है कि पुलिस डिपार्टमेंट के आखिर अंदर यह क्या गोरख धंधा चल रहा है, CP का नाम ले रहा है कोई, DCP का नाम ले रहा है, गाली दे रहा है, मुख्यमंत्री का नाम ले रहा है, आमदार को गाली दे रहा है, ऐसे लोग भी बिंदास उस शहर में घूमते रहते हैं, और सामान्य सा एक आदमी को इन लोग झूठे केस में डाल के अंदर कर देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे केस में आप ही लोगों के आप ही के चैनल में मैंने बनाया था कि जिसमें 5 करोड़ के लूट का झूठा केस बनाया नवी मुंबई पुलिस, जिसमें बैंक के वो सिंह ने आरोपी जो 20 करोड़ का घोटाला किया था वो अरेस्ट हुआ, ये 200% झूठा केस बनाया। झूठे केस बनाने में बहुत माहिर है, लेकिन ये सच्चा केस पता नहीं क्यों नहीं बना रही है, जबकि हम लोगों ने पुरावा भी दिया, वीडियो भी दिया, सब कुछ दिया, पुलिस दबाई हुई है, पुलिस हमसे मिलने से इनकार कर रहे हैं लोग। मैं फिर जा रहा हूँ पुलिस में और उनको फिर एक FIR दर्ज करने का एक निवेदन दूंगा, अगर FIR नहीं हुआ तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। यस सर। और मैं आपको अभी ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो देखिए कि किस तरह से वो लाम ले रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उसमें CP साहब का नाम भी उसने लिया है, ये देखिए। अच्छा, जो वीडियो है सर दिखा सकते हैं थोड़ा? दोस्तों, जो वीडियो आप देखेंगे वो किस तरीके की बातें करता है, और फिर हम आपको अपने स्क्रीन पे पूरे स्क्रीन पर हम आपको उसका रियल वीडियो भी दिखाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो जो बताया हूँ उनको है सब के दल तो बात कर मुझे अगर देना है अच्छा 45 के पैसे की बात हो रही है, देना तो किसको, नाम तो बताओ किसको, अगर देना तो किसको देना है, यहाँ देना पड़ेगा तुमको, यहाँ दे करके उसके बाद में ये पिस्ता वहाँ दे जाएगा, तुम्हारे पास देना। अगर है तुमको एक्सेप्टेबल तो ठीक है, नहीं तो मंडे डोला बांध लेगा सीधा हिसाब किताब। मंडे से ट्यूजडे नहीं होएगा यार, चलाओ तुम्हारी डायरी मिलाओ लिख करके। दोस्तों, ये पूरा वीडियो आपको हम अपने फुल पूरी स्क्रीन पर अभी दिखाएंगे। हाँ, खोलो ना, अरे खोलो ना, खोलो। हाँ, वही मैसेज देना, बैठ के अंदर अंदर बैठू के नहीं, मैसेज के लिए बैठू के नहीं, अंदर खोलो पीछे का, मैं रहने ना, मैं पीछे, अरे उधर बैठे, मेरा पैर दो दो मिनट बैठ बात करने का। हाँ हाँ, तो उधर आ जा, देख अपनी गाड़ी खड़ी है, गार्डन जो बनाया नहीं है इधर वाला, तो गार्डन के पास में अपनी गाड़ी खड़ी है, मैं दादा की गाड़ी में 12-13 आऊँगा। हाँ बोला भाई, तो ठीक है, मैं उनको बोला बता आता इन ना गए थे ठहरे ले पर क्या हिंदी मत करता हूँ, इनका देने का डन हो गए ले अभी आता है। इनको मैं ये पूछ रहा हूँ कि समझो अभी इनको दिया, कल तीसरा उठ के अगर सामने आया तो उसका जिम्मेदार कौन है? तीसरा कोई नहीं आएगा भाई, मैंने सवाल करने का तुम्हारा मान है, तीसरे किसी के पास में पेपर ही नहीं है, चौथा चौथा तीसरा चौथी तो तुम्हारे ही नहीं, चौथा किसी के पास में पेपर जाएगा तब आएगा ना तुम्हारे पास में, पूछा किसको मालूम है तुम उधर गांड मरवा रहा ना, वैसा नहीं पेपर है, ये पेपर नाचा है ना तुम बोल रहे ना, कौन सा ये पेपर, खाली तीन ही जगह पे है, एक इंक्वायरी ऑफिसर, एक हाँ दूसरा दूसरा दो नंबर और तीसरा तीसरा एक नंबर, इंक्वायरी ऑफिसर कौन है तुमको मालूम है? नहीं मालूम। अच्छा, इनका ऑफिसर तुमको मालूम नहीं? हाँ दादा, मैं क्या कर रहा सर, कैसे कर रहे हैं? संजय का तो क्या था, हाँ बोलते हैं अभी इंक्वायरी ऑफिसर, एक नंबर बोलो, देखो अपन एक नंबर दोन माणसाला सांगतो, जॉईंट CPL अपन एक नंबर बोलतो आणि CPL अपन एक नंबर बोलतो, मला माहीत नसेल जो ऑर्डर किया है वो डायरेक्ट बारंबे साहब ने किया है, आई बात समझ में? अच्छा हाँ,
रिपोर्ट की कॉपी जो है उसके पास जाएगी। एक नंबर, दो नंबर, हाँ जोन टू, जोन टू, बाकी जो तीसरा का नाम तीसरा वो जो है इंक्वायरी ऑफिसर है। अच्छा, इनको कभी पूछना, तुमको अभी पौने दो बजे पूछने, पौने दो बजे मेरे पास में आ जाएगा, मैं तुरंत उन लोगों को क्लियर करूंगा। यस चल, मिल गया। अच्छा, होटल में कौन सा तुम्हारा आदमी है? होटल में तुम बता, उस दिन होटल में गया वो, कल ही निकल गया भाई, इंक्वायरी करके गया वो, वही तो रिपोर्ट लगाया वही। दादा क्या पड़े हो? चल दादा, अभी अपन हो गया, अपना क्लियर हो गया, बराबर पंद्रह दादा के सामने बोलो, बोलो इनको, दादा को एक बार बोल दो क्या ये दादा, ये तीन लोग पंद्रह ये पैकेट बना के इसको अंदर भाई तो नहीं चालू किया है यार? नहीं ना यार भाई, नहीं तो गोली मार दूंगा एक बार, मारो यार, फेंक दो। ओके, दादा को फोन करूंगा, दादा तुमको फोन करेंगे, दादा की गाड़ी में डाल करके दादा को इधर भेज देंगे। दादा क्या करने का, गाड़ी में डाल के जो भेजना बोलते हैं ना, कल 4:30 से लेकर के 9:30 तक स्टेटमेंट हुआ एक आदमी का। किसके पास? ये क्यों गाड़ मार रहे हो? टीपी ऑफिस में हुआ है। सुनो, मैं क्या बोलता, सुनो, अभी उसको फोन किया था, अभी थाना में वो माजूदा है, उसे नहीं लेना देना है। यस या नो, सीधा हिसाब किताब 1-2-3 करने का। मैं क्या सुनो ना, अभी वो थोड़ा सा टॉपिक हल्का साइड में रुको, हल्का सा हमारे लिए, जो तुम पहले काम कर दे दाता को, वो काम तुम चालू। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो जो बताया हूँ इनको, वो है एक्सेप्टेबल तो बात करने का, मुझे बताओ अगर देना है। दादा दादा भाई, ओ भाई साहब, मुझे बात करो ना, मुझे बोलो। 45 अगर देना है तो बचोगे, नहीं 45 दोगे तो जाओगे, सीधा हिसाब किताब। अरे देना तो किसको, जब नाम तो बताओ ना उसको, किसको अगर देना है तो किसको देना है? यहाँ देना पड़ेगा तुमको, यहाँ दे करके उसके बाद में ये पिता वहाँ से जाएगा, वहाँ तुम्हारे पास देना। हाँ, अगर है तुमको एक्सेप्टेबल तो ठीक है, नहीं तो मंडे झोला बांध लेगा, सीधा हिसाब किताब। मंडे से ट्यूजडे नहीं होएगा यार, चलाओ तुम्हारी डायरी में लाओ लिख करके। ट्यूजडे अगर हो गया ना, तुम्हारा की जितनी प्रॉपर्टी है तुम्हारे नाम पे लिख कर बात कर लो, अगर वो है एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करता तो टाइम नहीं खराब करने का, कल का पूरा दिन ये ले लिए, आज का पूरा दिन यही लिए। उसके ऊपर नहीं ना, उसके ऊपर डिसीजन नहीं ना, मेरे पर भी नहीं ना, डिसीजन मेकर है ना कोई दूसरा। हाँ, वही बोस की माँ चोदने का है और किसी की नहीं ना, डिसीजन मेकर है, इसके लिए हम लोग चुप बैठे। उसको पूछ लो, उसको रहना है कि क्या करना है, सस्पेंड होना है, वो बताओ सीधा सीधा। 1-2-3 वाला हिसाब किताब यहाँ पे है, दूसरी बात नहीं हुई आज हम लोग, अभी तुम ऐसे टाइम पे आज आज है ना, असल में ये बात परसों से चल रहा है। अरे नहीं, आज का टाइम बोल रहा है मेरे को, आज हम लोग है पूजा का, आज का हमारा आखिरी वाली माल है, जा करके पूजा करे। नहीं नहीं, हम लोग मंडे उसका पूजा कर देते हैं। नहीं उसका नहीं, उसका कोई संबंध नहीं, हम लोग का आज मंडे उसका पूजा हो जाएगा, मैं लाओ लिख करके दे दूंगा, जहाँ डेट डाल दूंगा वो डेट से अगर एक दिन अगर ज्यादा निकाल लिया तो पान खा करके थूकना मेरे मुँह पे। ऐसा नहीं होता यार, तुम भी यार ऐसा मत करो, थोड़ा तुम साथ में दोस्त है हमारा, ऐसा क्या करता है यार, तुम दुश्मन से बात कर रहे हैं यार, हमारा दोस्त है तुम। अगला जो बोला है, मैं क्या बोला, तुम हमारा दोस्त का दुश्मन पहले बताओ। अगला जो बोला है वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा तुम हमारे लिए कुछ करो ना यार। मैं इनका 5 कम कराया, कंफर्म था इनका 5 कम कराया, क्योंकि इसका मेरी वजह से नुकसान हुआ। अरे इसका मतलब दोस्त है ना वो भी, वो उसकी अलग है, देखो बच्चों पे होता ना चार दोस्त, हर एक के अलग, बाप का प्यार अलग अलग होता ही है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है क्या दादा, प्यार अलग से होता है। नहीं भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, उसको वो बात नहीं है, उसको अगर बोलो, उसको बोलो अगर उसको एक्सेप्ट है रहना, उसको 4-5 महीना जो भी उसका बच्चा है वो निकाल, जो निकालना है अगर उसको, तो निकले जनवरी में रिटायर है। हाँ, तो जनवरी में रिटायर है तो 90 लेगा, तो 45 देने में क्या फर्क गिरता है उसको।
90 दिन बचा तो क्या के लेते 90 में 90 लेगा, 1,00,000 रुपया दिन का उसका हो रहा है ना भाई, तो 45 ही तो मांगा हो, और 3 आदमी है उसमें, अगर वो कर रहा है तो ठीक है और नहीं कर रहा तो ख़त्म करो ना मगजमारी करके। वो दादा की वजह से मैं घूम करके वहाँ से आया हूँ, वो तीन के तीनों को फिर वापस बॉम्बे भेजा, क्या करूँ? लेकिन ऐसा नहीं होता, चार ही का स्टेटमेंट लगेगा, छोड़ दो यार छोड़ दो। और वीडियो क्लिप भी दिखाया उसने, कौन सा? ये दो वीडियो क्लिप था, एक वीडियो क्लिप भी मेरे को दिखाया, उसमें मर्डेकर और ये दोनों, ये वो मर्डेकर बैठा है, ये पैसा गिनती मार रहे हैं। सर ये आपस में कुछ है नहीं, उनको मालूम है पैसा मार रहे हैं नहीं मार रहे हैं, आपस में है कि नहीं है, कुछ लेन देन हो सकता है भाई? ये भड़वागिरी वाली बात नहीं करना नाम दादा, उसका सीधा सीधा बोल रहा हूँ, इसमें क्या भड़वागिरी है यार। हाँ इसमें वो भरांबे साहब का भी नाम ले रहा है कि ये वहाँ से साहब क्या पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, नहीं ये कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं नवी मुंबई। अच्छा। तो उनका भी नाम ले रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए इसके बीच में सच्चाई क्या है, पुलिस का चुप रहना ही अपने आप में एक संदेह क्रिएट करता है कि पुलिस ऐसे गंभीर मामले में खुद उसके विक्टिम उनके पुलिस अधिकारी लोग हैं उनके लिए वो मुंह बंद रखी हुई है, तो आखिर इनके बीच में ये क्या चल रहा है? तो लोग ये सोचेंगे, जनता ये सोचेगी जो बात पुलिस के बारे में बोला जाता था वो कहीं सच तो नहीं है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से, आपके चैनल के माध्यम से, अभी नए डीजी साहब ज्वाइन किए हैं, मैं डीजी साहब से भी ये विनती करूंगा कि साहब आप इस केस को, इस कंप्लेन को नवी मुंबई पुलिस से इंक्वायरी नहीं करा करके आप मुंबई क्राइम ब्रांच से इंक्वायरी कराएँ, ज़रूर इसके बीच एक गहरी साजिश आपको मिलेगी जो कहीं ना कहीं से आपको मदद करेगी पुलिस का छवि सुधारने में, और ऐसे अपराधियों को जो पुलिस को फंसाने के लिए इस तरह का कृतज्ञ करते हैं, आखिर इनके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है सलाउद्दीन खान के पीछे कि जो इतना डेयरिंग करके ये सीनियर इंस्पेक्टर को, एसीपी को, डीसीपी को गाली दे रहा है, और डायरेक्ट एक फ़ोन से ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से बात कराने की बात करता है, और ये खुद बोलता है कि सीएम ऑफिस से इसके लिए एंट्री पास आती है, वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ पर मैं करोड़ों का नेगोशिएशन करवाता हूँ, तो आखिर ये आदमी है कौन? ये खुद बोलता है कि मेरे साले के ऊपर, घर के ऊपर करोड़ों रुपया कैश पड़ा रहता है। तो बाकी डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि इसकी बात की सत्यता को जाँच करें, कहीं ये कोई अपराधी, कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश, किसी अंतर्राष्ट्रीय अपराध गैंग से तो नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे हम लोग सुनते हैं आजकल हवाला आता है, विदेशों से फंड आता है और इस तरह के देश के खिलाफ इस फंड का इस्तेमाल होता है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के खिलाफ जिहाद है कि पुलिस का मनोबल तोड़ा जाए। और देखिए ये तो इंक्वायरी का विषय, जी हाँ ये गंभीर विषय है कि ऐसा आरोप लगा रहा है और फिर भी पुलिस चुप बैठी हुई है, अब इसके लिए हम लोगों को कोर्ट जाना पड़े, आंदोलन करना पड़े, उपोषण करना पड़े, तो ये मुंबई, नवी मुंबई पुलिस के लिए बड़े शर्म की बात होगी कि जहाँ पे वो ये दावा करते हैं कि हम हर लोगों की रक्षा के लिए 24 आवर खड़े रहते हैं, अरे शर्म आनी चाहिए कि 24 आवर में तो आप अपने अधिकारियों को न्याय नहीं दिला सके। ये दहशतवाद जी जो सलाउद्दीन खान है ये बिंदास घूम रहा है और इसकी इतनी डेयरिंग है कि हम लोगों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाया तो हम ही को फ़ोन कर रहा है वो। दोस्तों सलाउद्दीन खान एक ऐसा जिहादी है कि पुलिस प्रशासन को इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए, सच्चाई के तह में जाना चाहिए, और कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर प्रशासन खामोश हो गया तो ये भी हो सकता है कि एक जिहादी कहीं दुनिया के ऐसे आतंकवादी गिरोह से तो नहीं मिला हुआ है, या वो फंड के रिकॉर्ड को हवाला का काम तो नहीं करता है, ऐसे बहुत से सवाल अब पुलिस प्रशासन पर उठ सकते हैं। और उन जो फर्जी व्यापारी हैं जिन्होंने कंप्लेन डाला, वो गुमनाम व्यापारी जिन्होंने इनको अपना नेतृत्व सौंपा, उनके विषय में भी जानकारी होनी चाहिए कि उनका कौन सा दो नंबर धंधा था। यस, क्योंकि उस दो नंबर धंधा से और अदर डिपार्टमेंट जैसे GST वगैरह है, बहुत सारे टैक्सेस चोरी है, इनकम टैक्स की चोरी है, वो सारे डिपार्टमेंट भी इस रैकेट में आते हैं कि भाई उनका भी विजिलेंस चालू होना चाहिए। जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगी, वो रिपोर्ट आगे बढ़ाएगी, तो अदर डिपार्टमेंट भी आएंगे ना इसमें, क्योंकि सलाउद्दीन ने तो स्पष्ट बोला है कि मेरे साले के पास किस पे जो है करोड़ रुपए है। और ये दो नंबर के धंधे जितने लोगों ने कंप्लेन किया था ये सब दो नंबर का धंधा करते हैं, चूंकि उन्होंने नाम पता नहीं बताया था अपना। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से वैसे व्यापारियों को
आह्वान करना चाहता हूँ कि वो बिंदास अगर पुलिस भी सताती हो तो वो पुलिस में जाएं, और इस तरह के सलाउद्दीन खान जैसे कोई अपराधी उनसे खंडनी मांगते हो पुलिस प्रोटेक्शन दिलाने के नाम पर, तो ऐसे सलाउद्दीन जहाँ भी देखें उनको पकड़ें, उसके मुँह पर कालीख लगाएं और तुरंत पुलिस के हवाले इसको करें। ऐसे लोगों की यही सज़ा होनी चाहिए, उस इलाके में इसको घूमना नहीं चाहिए। कि ऐसे दरिंदे अगर इसको सज़ा समाज नहीं देगी, समाज के रूप में व्यापारी लोग इसको और समाज इसको बहिष्कृत नहीं करेंगे तो इसका सीना और चौड़ा होगा, वो 36 इंच वाला सीना लेकर के ये आप लोगों के बीच ये जिहादी फिर से पनपेगा, फिर से कोई नया कांड करेगा और फिर से लोगों को सताने का काम करेगा। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। ये हम समाज में हम लोग रहते हैं, जो समाज ही अब हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे अपराधियों पर हम लोग भी नकेल कसने का कार्य करें। जी जय महाराष्ट्र, जय हिंद। दोस्तों, CCF के अध्यक्ष के कुमार जी ने बड़ी बेबाकी से बात रखी है, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। CCF और लीड इंडिया TV न्यूज़, हमारा एक ही उद्देश्य है कि देश में ऐसे अपराधियों को पनपने से पहले ही जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। और यदि सलाउद्दीन को लगता था कि न्यूज़ गलत है तो वो अपने बारे में अपना वीडियो बना के हमें भेज सकता था, अपना पक्ष रख सकता था, लेकिन उसने अपना पक्ष भी नहीं रखा है। इसके अलावा वो CCF के अध्यक्ष को धमकी भरे कॉल करता है। आइए दोस्तों, हम इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट लिखिए। आपका कमेंट जो है हमें ऊर्जा देता है और हम इंसाफ की इस लड़ाई में हमें आपका सहयोग चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अपडेट की खास खबरें लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया TV न्यूज। जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।